स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस के अंदर, जिसमें हमने पहला सवाल अपनी वीडियो में कर लिया था। इसके बाद आज हमारा जो सवाल है वो है सेकंड नंबर पे। हमें कहा गया है कंप्यूट द फॉलोइंग। आपको यहाँ साइन दिया गया है बीच में प्लस का। प्लस कैसे करते हैं मैट्रिसेस के अंदर, आपको बताया गया था कि फर्स्ट एलिमेंट आपका एलिमेंट वाइज मैट्रिसेस में ऐड होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड इन फर्स्ट, सेकंड इन सेकंड, इसी तरीके से हम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट फर्स्ट आपके पास है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। तो इसको आप लिखेंगे a प्लस ए फर्स्ट फर्स्ट, b प्लस बी वन टू प्लेस टू वन प्लेस प्लस टू वन प्लेस टू टू प्लेस प्लस टू टू प्लेस। इट मीन्स ये हमारे पास आता है 2a 2b 0 2a। नेक्स्ट है आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसमें आपको ऐड करना है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ए बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू बी सी, दिस वन एंड दिस, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस टू ए सी एंड दिस, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में टू ए बी। आप चाहें तो इतना ही लिख के आ सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है a प्लस बी का स्क्वेयर, b प्लस सी इट स्क्वेयर, a माइनस सी स्क्वेयर एंड a माइनस बी स्क्वेयर। ये आपका इसका आंसर। नाउ थर्ड नंबर, थर्ड नंबर पे है हमारे पास माइनस वन प्लस ट्वेल्व, देन फोर प्लस सेवन, माइनस सिक्स प्लस सिक्स, एट प्लस एट, फाइव प्लस जीरो, फाइव प्लस जीरो, सिक्सटीन प्लस फाइव, टू प्लस थ्री, एट प्लस टू, फाइव प्लस फोर। तो ये आपको मिलेगा यहां से इलेवन इलेवन जीरो, सिक्सटीन फाइव, ट्वेंटी वन फाइव, टेन नाइन। नाउ फोर्थ, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है जो इक्वल होता है वन के। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी हमें, वन 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 वन। तो ये आपका आंसर होगा। नाउ
क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्यूशन थर्ड फर्स्ट पार्ट आपको प्रोडक्ट इसका निकालना है. फर्स्ट में आपको दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए, ए माइनस बी बी ए आपको बताया गया था. यहां आपके पास जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2×2 and 2×2. आपको बताया गया था मैट्रिसेस के अंदर फर्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसका हम रो लेते हैं और सेकंड वाले का हम कॉलम लेते हैं. तो यहां आप करेंगे दिस रो दिस कॉलम. तो आपने जब इनको किया मल्टीप्लाई ए इंटू ए ए स्क्वायर प्लस सेकेंड एलिमेंट के लिए आप बीच में प्लस लगाते हैं बी इंटू बी दैट इज बी स्क्वायर. नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. आप इस रो को जब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक कि आपकी सारी कॉलम्स खत्म ना हो जाएं. तो हमारी सेकेंड कॉलम से करते हैं हम ए इंटू माइनस बी, तो ये बना हमारा माइनस ए बी. देन प्लस बी इंटू ए यानी कि ए बी. अब हमारे पास और कॉलम नहीं है तो हम सेकेंड रो ले लेते हैं फर्स्ट वाले में. माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी प्लस ए इंटू बी ए बी. देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस बी प्लस का बी स्क्वेयर ए इंटू ए प्लस में ए स्क्वेयर. तो यहां से आपका आंसर मिलता है आपको ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जीरो जीरो बी स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर. ये आपका आंसर है. इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड में हम देख लेते हैं इसी तरह से हमें सभी प्रोडक्ट निकालने हैं. तो थर्ड के सेकंड पार्ट में आपको कैसे फाइंड करना है. आपको गिवन है यहां पर सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट 1, 2, 3 and 2, 3, 4. ये आपकी जो मैट्रिक्स है वन आपकी जो है थ्री रोज है इसमें और वन कॉलम है. इसमें आपकी वन रो है और थ्री कॉलम है. जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाले का जो कॉलम है इस ये जो नंबर आ रहा है आपका फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले की रो के इक्वल होना चाहिए तब ही आप इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. तो इस ऑर्डर को देख के हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो किस ऑर्डर की होगी 3×3. तो देख लेते हैं आती है या नहीं. आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये होगा 1×2. फिर हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को करेंगे 1×3. फिर हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1×4 4. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2×2 4. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2×3 6. 2×4 8. नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3×2 6. 3×3 9. 3×4 12. 3×3 की आपको यहां से मैट्रिक्स मिल जाती है. नाउ थर्ड 1 - 2 2 3. 1 2 3 2 3 1. ये जो मैट्रिक्स आपकी 2×2 में है और ये मैट्रिक्स 2 रो और 3 कॉलम में आपकी.
तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो कॉलम यहाँ है, यहाँ इसकी रो इक्वल है, तो आपका जो मैट्रिक्स आएगा उसकी रो कितनी होगी, 2, और कॉलम होगी उसकी 3। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1, देन −2 2 मीन्स −4, देन सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम में, सेकेंड कॉलम में आपके पास यहाँ आता है 1 × 2 2 −2 और 3 को करेंगे तो आपके पास आएगा ये 6, देन 1 × 3 3 −2 1 −2। नाउ सेकेंड रो 2 × 1 2 3 × 2 6 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 9 2 × 3 6 3 × 1 3। तो यहां हमें मैट्रिक्स मिलती है हमारी −3 −4 1 8 13 and 9। ये हमारी आई है 2 रो 3 कॉलम। यहाँ हमने आपको बताया था कि 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स आपके रिजल्ट में निकल के आएगी। नेक्स्ट आपका फोर्थ, फोर्थ में हमारे पास है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 मल्टीप्लाई हो रही है आपकी 1 − 3 5 0 2 4 3 0 5 ये आपकी मैट्रिक्स है 3 × 3 की, और ये भी मैट्रिक्स है आपकी 3 × 3 की। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आप यहाँ पर आपका जो है सेकेंड नंबर जो है वो कॉलम, और इसमें आपकी रो इक्वल नंबर है, तो आपकी जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो होगी थर्ड रो थर्ड कॉलम की। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम, दिस इंटू दिस 2 × 1 2 प्लस 3 × 0 0 प्लस 4 × 3 12। नाउ सेकेंड 2 × −3 −6 3 × 2 6 4 × 0 0 2 × 5 10 3 × 4 12 4 × 5 20 Now second row first column 3 × 1 3 4 × 0 0 5 × 3 15 3 × −3 −9 4 × 2 8 5 × 0 0 second row third column 3 × 5 15 4 × 4 16 5 × 5 25 Next आपका third 4 × 1 4 5 × 0 0 6 × 3 18 4 × −3 −12 5 × 2 10 6 × 0 0 नेक्स्ट है आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 × 5 20 5 × 4 20 6 × 5 30 आप इनको ऐड कर लीजिए, क्या आता है हमारा आंसर 12 × 2 14 0 42 18 22 −1 −2 यहां आपको मिलते हैं
15 एंड 25 40, 50 एंड 56, 40 एंड 30 70, 3 क्रॉस 3। ये जो आपकी मैट्रिक्स आती है, आपके पास ये नंबर आया है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, जहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स है वो आपके पास आई है फर्स्ट रो में 14 0 42, सेकंड रो में 18 माइनस 1 56, और थर्ड रो में आपके पास आता है 22 माइनस 2 एंड 70। अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड पार्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास 2 1 3 2 माइनस 1 1 1 0 1 माइनस 1 2 1। ये आपकी जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, और ये जो मैट्रिक्स है ये है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। आप देख सकते हैं यहाँ ये नंबर आपके इक्वल है, तो मैट्रिक्स जो आएगी आपकी वो 3 क्रॉस 3 में बनेगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2, 1 into -1 1 माइनस का, 2 into 0 0, 1 into 2 2, 2 into 1 2, 1 into 1 1, 3 into 1 3, 2 into -1 -2, 3 into 0 0, 2 into 2 4, 3 into 1 3, 2 into 1 2, -1 into 1 -1, 1 into -1 -1. Now third row second column -1 0 0, 1 into 2 2. Now third row third column -1 1 -1, 1 into 1 that is 1. 3 क्रॉस 3 में आपकी मैट्रिक्स आई है, तो इसको आप लिखेंगे 1 1 -2 2 4 2 3 5 0, ये 3 क्रॉस 3 में आपकी मैट्रिक्स आ जाती है। इस मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स आई है ये आई है आपके पास 1 2 3 1 4 5 एंड -2 2 0। नेक्स्ट आपके पास है सिक्स नंबर पे, ये मैट्रिक्स आपके पास 3 -1 3 -1 0 2, 2 -3 1 0 3 1। आपके पास ये मैट्रिक्स है 2 रोज 3 कॉलम में, और ये आपका 3 रोज 2 कॉलम में। ये नंबर आपका इक्वल है, मीन्स आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2 क्रॉस 2 में, दिस रो एंड दिस कॉलम। 3 into 2 6, -1 into 1 -1, 3 into 3 9, 3 into -3 -9, -1 into 0 0, 3 into 1 3, -1 into 2 -2, 0 into 1 0, 2 into 3 6, -1 -3 3, 0 into 0 0, 2 into 1 2, 9 and 6 15, -1 14, -9 plus 3 -6, -2 plus 6 4, 3 and 2 5, ये आपकी 2 क्रॉस 2 में मैट्रिक्स आ जाती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको क्या निकालना है वो भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है नंबर
बताया गया आपको ए बी सी, आपको तीन मैट्रिक्स दिए हैं। सबसे पहले तो आपको कंप्यूट करना है ए प्लस बी और बी माइनस सी को। तो हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं यहां से। ए आपका ये है मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपकी है ये वाली। तो यहां से आप निकालेंगे 1 + 3, 2 - 1, -3 + 2, 5 + 4, 0 + 2, 2 + 5, 1 + 2, -1 + 0, 1 + 3। तो ये जो मैट्रिक्स आई है आपके पास बनती है 4, 1 - 1, 9, 2, 7, 3, -1, 4। नेक्स्ट हमें निकालना है यहाँ पे b माइनस सी। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे b माइनस सी। b माइनस सी में b आपके पास है ये और c आपको गिवन है दिस वन। देन 3 - 4, 3 - 4, आपको c माइनस करना था यहाँ पे, -1, -1, 2, -2। देखिए यहाँ पे हमें प्लस का साइन लेना था इसलिए हमने प्लस लिया सब, जब दो एलिमेंट को ऐड किया। यहाँ हमें दो एलिमेंट जब हम लेंगे तो बीच में माइनस साइन दिया हुआ है इसलिए हम माइनस साइन लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट आपका 4 - 0, 2 - 3, 5 - 2, 2 - 1, 0 - - प्लस हो जाएगा आपका 0 - -2, 3 - 3। तो ये जो मैट्रिक्स आती है आपकी वो बनेगी -1, -2, 0, 4, -1, 3, 1, 2, 0। इसके बाद इन्होंने कहा आपको वेरीफाई करना है दिस वन, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल होना चाहिए आपका ए प्लस बी माइनस सी के। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। ए हमारे पास गिवन है 1, 2, -3, 5, 0, 2, 1, -1 and 1। आपको इसमें प्लस करना है बी माइनस सी। बी माइनस सी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो आप इसमें प्लस कर दीजिए -1, -2, 0, 4, -1, 3, 1, 2, 0। ये हमने मैट्रिक्स लिखी, अब हम इनको प्लस कर देते हैं। 1 - 1, 2 - 2, -3 + 0, 5 + 4, 0 - 1, 2 + 3, 1 + 1, -1 + 2, 1 + 0। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स बनती है ये आती है आपके पास 0, 0, -3, 9, -1, 5, 2, 1, 1। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको गिवन है यहाँ पे a प्लस बी आप ऐड करेंगे और फिर माइनस सी करेंगे। a प्लस बी हम निकाल चुके हैं तो आपके पास जो मैट्रिक्स आती है यहाँ पे आप लेके चलेंगे 4, 1, -1, 9, 2, 7, 3, -1 and 4। a प्लस बी आपको लेना था, a प्लस बी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। इसमें आपको माइनस करना है c। c आपके पास गिवन है 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1, -2, 3। तो इसका रिजल्ट हम देख लेते हैं। 4 - 4, 1 - 1, -1, -2, 9 - 0, 2 - 3, 7 - 2, 3 - 1, -1,
प्लस टू, फोर माइनस थ्री। तो ये जो रिजल्ट आता है आपके पास ये बनेगा जीरो में जीरो, जीरो माइनस थ्री, नाइन माइनस वन फाइव, टू वन वन। आप देखेंगे यहां आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल आ रही है आपकी। तो राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट था आपका वो आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है आप वो इक्वल आता है राइट हैंड साइड के रिजल्ट के। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था कि ये जो दोनों साइड है आपकी इक्वल आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।